सर्प के डसने से नाबालिग की मौत, परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल। गुलाम सरवर उर्फ सदान हुसैन की रिपोर्ट। धुरकी थाना क्षेत्र के रक्सी गांव निवासी मुन्ना लाल बेदिया का पुत्र राजू कुमार उम्र 16 की मौत गुरुवार को सांप के डसने के बाद हो गई। नाबालिग राजू की मौत की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद दोनों भाई एक साथ घर के आंगन में सो रहे थे, तभी मध्य रात्रि अचानक बादल के गरजने और हल्का बूंदी बूंदी बारिश होने के कारण वे लोग आंगन से उठकर रात्रि में ही घर के कमरे में जमीन पर लेटकर सो गए। इसी दौरान नींद में सबकी आंखें लग गई और रात के अंधेरे में कारण जहरीले सांप ने घर में घुस गया और नाबालिग राजू के बाएं हाथ में सांप ने बच्चे को डस लिया। वहीं सांप के जिस हाथ में किशोर को काटा है वहाँ बहुत अधिक खून निकल रहा है। देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सांप ने किशोर को गुस्से के त्रिउपहार कर डसा है। वहीं इसके बाद किशोर की बिगड़ती हालत को देखकर उसके पिता और परिजनों घबरा गए और हाथ से खून निकालकर देख समझ गए कि उसे किसी मासूम बेटे को सांप ने डस लिया है। उसके बाद परिजनों अंधविश्वास के चक्कर में पकड़े झाड़ फूंक कराने लगे। तब तक किशोर के पूरे शरीर में जहरीले सांप का जहर अपना असर करना शुरू कर दिया था। झाड़फूंक के कारण में देर होने से जहर ने असर किया और उसकी मौत हो गई। इधर किशोर राजू की मौत जागरूकता के अभाव में औरत माता पिता की नासमझी के कारण हो गई और सभी परिजनों रो रो कर बिलखेलने लगे। अंधविश्वास और झाड़फूंक के चक्कर में रहने के कारण किशोर की मौत हो गई।